गोरखपुर में बृहस्पतिवार को 118 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,638 हो गई है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक 63 वर्षीय अधेड़ पुरुष की और लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में एक 73 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। गोरखपुर जिले में अब तक 223 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,039 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1376 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शहर की बात करें तो 68 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को सबसे अधिक 29 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 10, रामगढ़ ताल में 3, शाहपुर में 12, कोतवाली में 2, गुलरिया में 2, तिवारीपुर में 3, चिलुआ ताल में 5, राजघाट में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 41 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 15, सहजनवा में 4, खोराबार में 3, बांसगांव में 2, पिपरौली में 1, पाली में 1, गगहा में 3, बेलघाट में 1, गोला में 1, सरदारनगर में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 16 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का पालन करें, अपनी और अपने परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं।